आज सवाल नहीं, सिर्फ जवाब मांग रहा हूँ। मुझे बोन मैरो किसने दिया? पता नहीं नरेन, मैं भी उनसे नहीं मिली। हॉस्पिटल वालों ने उनकी पहचान छिपा रखी थी। आपने जो सीसीटीवी फुटेज मंगाया था वो आ गया। स्टॉप इट रॉन, आई सेड बात पूरी करो। आप सब गवाह हैं कि नरेन भाई ने मुझे फोर्स किया, इसीलिए मैं ये बात कहने जा रहा हूँ। नरेन व्यास नाजायज औलाद है। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? हाँ नरेन, नाजायज जीजी नहीं मैं, नहीं मैं। यही वो राज है जिसे छिपाने के लिए मैंने पागलपन का नाटक किया था। तुम अपनी गृहस्थी जला रही हो पूजा, और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। अब कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं। इतना बड़ा धोखा, गुप्ता जी ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, अब जवाब भी उन्हें देना होगा। सोचा नहीं था कि सोने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए आप इतना गिर सकती है। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे खून पर मैंने यकीन किया। ये तवायफ और क्या कहेगी, ये रही वो हॉकी स्टिक जिससे इन्होंने ताईजी को मारा। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस औरत ने सू को नहीं बेरहमी से मारा है कि अंदर डॉक्टर कह रहा है शायद सू लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकती है। तुम्हारे पैदाइश को मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ पूजा, बशर्ते तुम अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दो। तुम्हें दोनों माँ में से किसी एक को चुनना होगा। ये मुमकिन नहीं नरेन। सोच लो पूजा, ये फैसला हमारे रिश्ते पर मोहर होगा। मेरा यकीन कीजिए, नरेन की कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस, एक शब्द और नहीं। अपने गंदे खून को शराफत की लिबास से ढकने की कोशिश मत करो। देख लो नरेन, तुम्हें दिए बोन मैरो की कीमत ये औरत तुम्हारे माँ के गहनों से चुकाना चाह रही थी, और तुम ऐसे खून को इस घर में पनाह देने की सोच रहे थे। एक मिनट पापा, नरेन, नरेन मेरा यकीन कीजिए। मैंने पूछा, सोचा नहीं था कि सोने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए आप इतना गिर सकती है। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे खून पर मैंने यकीन किया। इतने मान सम्मान का यही सिला दिया तुम्हारी माँ ने। नरेन, आप माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नरेन, माँ को सफाई का एक मौका तो दीजिए। फाइन, दिया मौका। क्या कहानी सुनाना चाहती हैं आप? भाई, ये तवायफ और क्या कहेगी? ये रही वो हॉकी स्टिक जिससे इन्होंने ताईजी को मारा। राहुल, छोड़ो मुझे। इतनी जल गई तुम्हारी कि अपने पति का भांडा फोड़ने चली थी? तुम इतने समय में मुझे पहचानी नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये पंखा तुम्हारे ऊपर गिर जाए और तुम हमेशा हमेशा के लिए है। दस मिनट का समय दे रहा हूं, फैसला कर लो। तुम सच का साथ देके आसमानी स्वर्ग में जाना चाहती हो, या हमारे झूठ में शामिल होकर धरती में स्वर्ग के मजे लेना चाहती हो? फैसला तुम्हारा। पिछले दो दिनों के सोशल मीडिया के एनालिसिस के हिसाब से जनता आपको बंद गले में देखना पसंद करती है सर।
के 3 महीनों में आपकी पॉपुलैरिटी करीब 20% तक बढ़ गई है, लेकिन उस लाल बत्ती को हासिल करने के लिए मंजिल अभी भी दूर है। लाल बत्ती भी मेरी होगी और कृष्णपुरी भी मेरा होगा। इतना कीमती समय का वक्त नहीं आया सर, जनता आपने खुद को देखना चाहती है। खड़ी कोई भी हो, समय तो मेरा ही बताएगी। Congratulations, Chandika ji. In 3 days, you will have the keys. Thank you so much, Deepak ji. It was not possible without your help. So, see you after 3 days. Thank you. Oh my God, mom-in-law. आप तो 3 महीने में ही बिल्कुल अंग्रेजी मेम बन गई। मैं तो अंग्रेजी मेम बन गई। मैंने तो अपना किया वादा पूरा किया। पर तू अपना वादा कब पूरा करेगी पूजा? अब तो 3 दिन में वो चाबियां भी मेरे हाथ में आने वाली हैं। अब तो तेरे पास कोई बहाना नहीं बचा। आज क्या खाएंगे मेरी प्यारी माँ? आलू या फिर लौकी? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है पूजा। नहीं देखा जाता तुझे कृष्णापुरी की गलियों में घूमते हुए? गुस्से से भर जाती हूँ मैं जब कोई तुझसे रेट की बात करता है। माँ, तो 2 मिनट में उन लोगों को साइलेंट मोड पे भी तो डाल देती हूँ। आपको अपनी दबंग बहू पे घमंड नहीं होता? ये सब फिजूल की बातें हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब वक्त आ गया है इस माँ से किया वादा पूरा करने का। अपने नरेन के पास व्यास मेंशन वापस लौट जाती है। मीडिया का फायदा उठाकर जितना चाहे से पकड़ो, मेरी नस्ल तो फिर भी गंदा नहीं कर पाओगी। एक बार मुझे वो लाल बत्ती हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए, फिर सबसे पहले बुलडोजर कृष्णपुरी पर चलेगी। फिर ना रहोगी तुम, ना तुम्हारी माँ और ना तुम जैसे पैदाइश के लोग। सुबह 8 बजे होगा धमाका। हमारी गाड़ी में एक औरत है, मैं नहीं जानती वो कौन है, पर मैं उसे अपने घर पे नहीं लेकर जा रही बल्कि मैं उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रही। तुम हार गए। Are you sure, my love? राजवीर हार गया। चलिए एक काम करते हैं, आपको मिलाते हैं विद द लव ऑफ योर लाइफ। ये सीन थोड़ा फिल्मी नहीं लग रहा? तुम अपना ये फिल्मी सीन बंद करो, जल्दी से ये बटन लगाओ ना, देर हो रही है मुझे। क्या करूं, रॉकस्टार के साथ रहती हूँ तो थोड़ा फिल्मी तो बनना पड़ेगा ना। देखो, सदियों से चला आ रहा है इस सीन से ना मुझे कोई फीलिंग नहीं आने वाली, समझी तुम? तो आप डर क्यों रहे? क्योंकि शायद आज ये भी तो हो सकता है कि इस आग को देख के उनको उस आग की याद आई हो जिसमें उनकी याददाश्त चली गई थी और इसकी वजह से उनके दिमाग पर प्रेशर बन गया। हो सकता है कि उन्हें तब याद आ गया हो कि कुमकुम भाग्य हॉल में आग किसने लगाई थी। मैंने उन दोनों को देखा था। ये दोनों आग के पीछे थे।
शराब पीने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। आखिरी बार मैं तुम्हें कोई टास नहीं दूंगी, सीधा जहर पिलाऊंगी और इस जहर को ठीक करने की कोई दवाई भी नहीं।